दोस्तों, अगर आप च्यवनप्राश खरीदने की सोच रहे हैं और नहीं जानते कि सबसे बेस्ट च्यवनप्राश कौन सा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा भारत के दो सबसे बेस्ट च्यवनप्राश, जिन्हें बनाया गया है सिर्फ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से, यानी इनमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए हैं, बिल्कुल सेफ एंड नेचुरल हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय घरों में च्यवनप्राश का खूब इस्तेमाल किया जाता है। च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक रेसिपी है जिसे बनाने के लिए आयुर्वेद में लगभग 80 जड़ी बूटियों को मेंशन किया गया है, लेकिन इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आंवला। आज भारतीय सुपरमार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर च्यवनप्राश खाने लायक नहीं है। दोस्तों, मैंने च्यवनप्राश को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में मैंने रखा है डावर च्यवनप्राश, पतंजलि च्यवनप्राश, हिमालया, वेदनाथ, हमदर्द, जीवा, श्री श्री रविशंकर, झंडू केसरी और हिमामी सोना चांदी च्यवनप्राश आदि को। ये च्यवनप्राश भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं, लेकिन आप हैरान रह जाओगे यह जानकर कि इनमें सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले गए हैं। अगर आप सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले डावर च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट देखोगे, तो आपको सबसे नीचे आकर एक इंग्रेडिएंट मिलेगा जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। यह एक प्रिजर्वेटिव है जो कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाला गया है। लेकिन अगर आप एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको यह तो पता ही होगा कि आयुर्वेद कभी भी इस तरह के केमिकल्स को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाले गए प्रिजर्वेटिव्स हानिकारक होते हैं। इनसे आपको कई तरह के साइड इफेक्ट जैसे सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, स्किन एलर्जी, इनफेक्ट आपको कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखोगे, तो इसमें चीनी की मात्रा काफी ज्यादा है। इसकी एक सर्विंग 15 ग्राम की है, यानी एक चम्मच, और जिससे आपको मिलती है 10 ग्राम शुगर। देखा जाए तो इसमें आधे से ज्यादा शुगर मौजूद है। अगर हम इसे च्यवनप्राश की बजाय शुगरप्राश कहें, तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, डावर च्यवनप्राश ही नहीं, बल्कि इस कैटेगरी में आने वाले सभी च्यवनप्राश में केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले गए हैं, और हद से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। इसमें मैंने रखा है ऑर्गेनिक इंडिया च्यवनप्राश, क्योरवेदा, कपीवा, प्योर एंड श्योर, वनालिया एक्सेट्रा। ये सभी खुद को 100% आयुर्वेदिक बताते हैं और दावा करते हैं कि इनमें किसी भी तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि ये सभी ब्रांड्स बताने से डरते हैं कि इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स में केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। ये सभी प्रोडक्ट्स अपने इंग्रेडिएंट्स बेस में सभी हार्मफुल केमिकल्स को छुपा लेते हैं, जिससे एक आम ग्राहक को पता नहीं चल पाता है कि इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट बेस में क्या क्या डाला है। ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जो अपने प्रोडक्ट्स में डाले गए सभी इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करने से डरते हो। हाँ, इतना जरूर है कि इन सभी च्यवनप्राश ने काफी कम मात्रा में शुगर की बजाय अपने च्यवनप्राश में गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल किया है, जो कि एक अच्छी बात है। देखा जाए तो ये सभी च्यवनप्राश कैटेगरी नंबर 1 से थोड़े अच्छे जरूर हैं, लेकिन इन्हें आप ना ही लें तो ही बेहतर है। लेकिन बात आती है, क्या भारतीय मार्केट में इनसे भी बेस्ट कोई च्यवनप्राश मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ। कैटेगरी नंबर 3 में मैंने 2 ऐसे च्यवनप्राश को रखा है जो 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल हैं, यानी इनमें किसी भी तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस कैटेगरी में नंबर 1 पर है हमारा एक्सियम च्यवनप्राश। इसे बनाने के लिए देसी गाय के घी, कश्मीरी केसर और ऑर्गेनिक शहद के अलावा एक च्यवनप्राश में डाले जाने वाली सभी आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल किया गया है। स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें किसी भी तरह के फ्लेवर और शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है। नंबर 2 पर है हमारा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कलेरा स्वर्णा केसर युक्त च्यवनप्राश। इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए 60 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्राकृतिक सोना भी डाला गया है और इसका स्वाद भी बिल्कुल ओरिजिनल है। दोस्तों, अगर आप च्यवनप्राश खरीदने की सोच रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा एक ऐसा च्यवनप्राश खरीदें जिसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक रेसिपी है और आयुर्वेद कभी भी इस तरह के केमिकल्स को बढ़ावा नहीं देता है। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने इन दोनों च्यवनप्राश को चुना है और इनसे बेहतर मुझे कोई और नहीं दिखा। च्यवनप्राश शब्द च्यवन ऋषि के नाम से लिया गया है। वह इस टॉनिक को तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे।
कहानी यह है कि चवन ऋषि काफी बूढ़े थे और उन्होंने इस हर्बल टॉनिक के उपयोग से अपनी युवावस्था और जीवन शक्ति वापस पा ली थी। चरक संहिता 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चरक द्वारा लिखी गई एक प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तक में इस हर्बल तैयारी का सूत्र शामिल है। यह दावा करता है कि च्यवनप्राश मानव जाति के लिए उपलब्ध सभी हर्बल टॉनिकों में से सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी है। च्यवनप्राश एक सुरक्षित हर्बल टॉनिक है और सभी उम्र के लोग इसे स्वास्थ्य, भलाई और लंबी आयु को बढ़ावा देने के लिए ले सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चों के लिए इसकी खुराक थोड़ी कम रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।